हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से खेलने आ रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है पैल वर्ल्ड। तो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक अच्छी सी जगह ढूंढ के अपना बेस बना लिया था और उसके बाद दो पोकेमोन भी पकड़ लिए थे। अब आज की वीडियो में हम उन दो पोकेमोन को यूज़ करके और भी बहुत सारे पोकेमोन पकड़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम एम रखते हैं इस वीडियो का 20 लाइक्स का। तो गाइस, ये देखो, ये रहा मेरा पैल बॉक्स और इसके अंदर दो पोकेमोन है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पकड़े थे। और आज इन दोनों की मदद से हम खूब सारे पोकेमोन पकड़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलो आओ फिर चलते हैं। अबे भाई, ये पेड़ के पीछे से कौन सा पोकेमोन आ रहा? हाथी सा। अबे भाई, कितना बड़ा है, क्या नाम है इसका? मेमोरेस्ट। और इसका लेवल देख रहे हो कितना ज़्यादा है यार, कितना सही लग रहा है ये पोकेमोन, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, अगर मैंने अपने लेवल 2 वाले पोकेमोन इससे भिड़वा दिए वो तो इनकी चटनी बना देगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी जाने दो, इसको फिर कभी पकड़ेंगे दूसरी वीडियो में। तो अब चलो आओ फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और पोकेमोन है क्या आसपास। अबे ये कौन सा पोकेमोन है, इसका क्या नाम है? डायनोजोम। और इसका लेवल कितना है भाई? यार इसको भी 16 लेवल है। अगर इससे भी हमने अपने पोकेमोन भिड़ा दिए तो बस, तो फिर वो ख़त्म ही हो जाएंगे। कोई और पोकेमोन नहीं है क्या छोटा मोटा जिसको मैं पकड़ सकूँ? यार इनका लेवल कुछ ज़्यादा ही है। तो एक काम करते हैं, इनको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। आगे चल के देखते हैं कोई और पोकेमोन मिल जाता है तो बढ़िया है। तो गाइस, मेरे को ये फॉक्स दिख रही है, एक काम करते हैं इनसे लड़ लेते हैं। इनका ना लेवल ही मुझे थोड़ा कम लग रहा है। अरे हाँ यार, इनका लेवल तो सही है, बहुत कम है। तो एक काम करते हैं, इनसे लड़ते हैं, इनको पकड़ते हैं पहले। तो गाइस, ये देखो, ये कर दिया मैंने अपना कैटिवा रिलीज़। और देख रहे हो क्या ज़बरदस्त अटैक करा मेरे कैटिवा ने इस फॉक्स के ऊपर। यार ये फॉक्स भी मुझे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है, क्या सही आग फेंक रही है यार ये अपनी पूंछ से। और इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी सही है, क्या सही रिफ्लेक्सेस है इसके, कितनी स्पीड में इधर से उधर हो रही है। तो गाइस, मुझे लग रहा है अभी ये ना थोड़ी सी वीक हो गई है, अब इसको पकड़ने की ना कोशिश करता है। चलो फिर अपना पोकेबॉल फेंक के देखते हो इसके ऊपर आता है या नहीं आता। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। चलो गाइस, अब देखते हैं आती है नहीं आती, प्लीज़ आ जाए यार, आ जाए। नहीं गाइस, मुझे लग नहीं रहा ये एक बार में आने वाली है। और यार ये दूसरी वाली फॉक्स ने परेशान कर रखा, देख रहे हो कैसे आग लगा रही है मेरे ऊपर, इसने काफ़ी एचपी कम कर दी है। चलो एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं आती है नहीं आती है। आ जा भाई, आ जा प्लीज़, आ जा प्लीज़, आ जा। बहुत सही पोकेमोन है, मज़ा आ जाएगा अगर ये आ जाए तो। तो गाइस चलो सही है, फाइनली मैंने फायरफॉक्स पकड़ ही ली। तो गाइस, फिर मैं घूमते घूमते इस दूसरे एरिया में आया और मैंने देखा कि यहाँ पर ये डियर वाले 5-5 पोकेमोन घूम रहे हैं। यार देख रहे हो कितने ज़बरदस्त और प्यारे पोकेमोन हैं। ये पहले भी दिखे थे मेरे को, लेकिन इनका लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो अभी तो मैं इनको पकड़ नहीं पाऊंगा, पहले मैं छोटे छोटे पोकेमोन पकड़ लूँ, उसके बाद इनको पकड़ूंगा। तो चलो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी ये कौन सा पोकेमोन है? अच्छा, इसका नाम है पेंगुलेट। मुझे लग रहा है ये ना बर्फ़ वाला पोकेमोन है। तो अपनी फायर वाली फॉक्स को लड़वाते हैं इससे, देखते हैं कैसी फाइट होती है, मज़ा ही आ जाएगा। एक तरफ फायर, एक तरफ आइस। तो यार अटैक तो देख रहे हो दोनों ही क्या ज़बरदस्त कर रहे हैं। वो एक फायर फेंकती है, वो 3 बार बर्फ़ फेंकता भाई। मुझे लग रहा है ये भी ज़बरदस्त पोकेमोन है। चलो फिर अपने पोकेमोन की हेल्प करते हैं इसको पेलने के लिए। यार क्या सही अटैक चल रहा है, देख रहे हो दोनों तरफ से। मैं इसको कुल्हाड़ी मार रहा हूँ लेकिन इसको कुछ खास असर हो नहीं रहा। अबे कैसे उछल उछल के जा रहा है यार, ये दूसरी फॉक्स भी है, इससे लड़ाई ना हो जाए। अबे इसने वो जमा दिया यार मेरे को। अबे हट जा भाई, जल्दी छोड़। चलो एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी ना काफ़ी लो हो गई है, इसको ना पकड़ने की कोशिश करते हैं। आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या भाई? आ जा यार, आ जा प्लीज़, आ जा। नहीं गाइस, ये एक बार में नहीं आने वाला है। एक काम करते हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी और लो करते हैं। चल भाई चल, फॉक्स मार इसको, मार मार मार। अच्छा हो गई इसकी एनर्जी कम, अब पकड़ने की कोशिश करते हैं। आ जाएगा क्या इस बार? तो आ ही जाएगा मुझे लग रहा है। प्लीज़ आ जा, प्लीज़ आ जा भाई, प्लीज़ आ जा। चलो गाइस, फाइनली आ ही गया। अब हमने आइस वाला पोकेमोन भी पकड़ लिया। तो अब हमारे पास एक फायर वाला हो गया, एक आइस वाला हो गया। फिर मैं घूमते घूमते थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि एक और पोकेमोन घूम रहा है, इसका नाम है लिफ्ट पंक। चलो एक काम करते हैं, इससे लड़वा के देखते हैं अपने पोकेमोन को कि ये कैसा लड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पेंगुलेट छोड़ दिया, मैंने कहा देखते हैं, अभी अभी पकड़ा। पेंगुलेट का अटैक बहुत ज़बरदस्त है। अबे देख रहे हो, जमा दिया इसको, तो अटक गया क्या ये? अबे नहीं, जमा नहीं है तो अटक गया भाई। चलो मैं भी अपनी कुल्हाड़ी से इसकी एनर्जी लो करता हूँ। अबे भाग क्यों रहा है, लड़ ले भाई, ये तो डरपोक पोकेमोन लग रहा है यार मेरे को। अबे भाग क्यों रहा है, रुक जा भाई। मुझे लग रहा है पेंगुलेट को ना पकड़ के थोड़ा सा और आगे छोड़ना पड़ेगा। पेंगुलेट को ना मैं वापस बुलाता हूँ और आगे छोड़ दूँ, तभी वो कुछ कर पाएगा। जा पेंगुलेट, अब मार। अबे यार ये उछल के पीछे आ जाता है, जमा दे भाई उसको। कहाँ भागे जा रहा है ये? यार कैसा डरपोक पोकेमोन है ये, इसको पकड़ूँ भी या ना पकड़ूँ? भाई यार ये तो भागे ही जा रहा है, वो जमा दिया इसको। चलो अब पेलता हूँ इसको, ठीक काफ़ी एनर्जी लो हो गई। अब पेंगुलेट को वापस बुलाता हूँ, इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये आता है या नहीं आता। अबे आजा भाई। अबे यार ये तो फिर भाग गया, कितना ढीठ पोकेमोन है, एनर्जी कितनी लो हो गई है इसकी, फिर भी पकड़ में आ ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मेगा स्फीयर से ट्राई करते हैं, कोई दूसरा स्फीयर भी है मेरे पास मेगा स्फीयर, उससे ट्राई करते हैं, और वैसे भी लास्ट ही बचा है मेरे पास। तो गाइस मेगा स्फीयर से तो आ ही गया, और यार क्या ज़बरदस्त है, मतलब देख रहे हो इसके पीछे कितने सही पोकेमोन है भाई, और कितना बड़ा पोकेमोन है वो, क्या नाम है इसका? चलो आओ चल के देखते हैं क्या नाम है इसका। इसका नाम है कैप्रिटी। यार ये तो बड़ा सही लग रहा है, और पीछे और भी है। यार ये एरिया तो बड़ा सही है,
एक काम करते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में ना इसी एरिया में आएंगे और इतने बड़े बड़े पोकेमोन को पकड़ेंगे, फिर एक ज़बरदस्त आर्मी बनाएंगे, मज़ा ही आ जाएगा। देख रहे हो कितने सारे घूम रहे हैं यहाँ पे भाई, तीन तीन घूम रहे हैं। लेकिन यार ये सारे देख के मेरे को भाग क्यों रहे हैं? तो गाइस इस एरिया में मैं घूम ही रहा था तो मैंने एक और पोकेमोन देखा। देख रहे हो कितना खुले में घूम रहा है ये, कौन सा पोकेमोन है, क्या नाम है इसका? चिलेट। अबे भाई ये तो बॉस है यार, लेकिन इसका लेवल 11 है। चलो सही है, काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना इसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अब हो गई है रात और हम आ गए अपने बेस पे और देख रहे हो हमने कितने सारे पोकेमोन पकड़े हैं आज। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।